शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। करो, सांसों का भरोसा नहीं।
श्रेष्ठ तपस्वी, ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा, इस विश्व बेहद अनादि मंच के आदि मध्य अंत के राज को समझ मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजित श्वेत चमकता हुआ प्रकाश सितारा परमपिता परमात्मा शिव बाप की याद में समा गई हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है करण का रावण हार बाप का है। मैं केवल निमित्त हूं, शिव बाबा से अविरत निकलती स्नेह की किरणें मुझ आत्मा में गहराई से समाते जा रही है। और मैं आत्मा इन स्नेह की किरणों को अपने भीतर एब्सॉर्ब होता हुआ अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा बाप के समान मैं आत्मा भी स्नेह से भरपूर हो चुका हूं।
प्यारे पिता परमात्मा के स्नेह में समा दे। उनसे भांति ये अविरत स्नेह की किरणों में गहराई से भरपूर होते मैं आत्मा परमात्मा बाप समान मास्टर स्नेह सागर बनती जा रही हूँ। मेरे मन में सभी के लिए बेहद में शुभ चिंतन है।
बात है ऐसे कि अनंत प्रेम की किरणों को अपने भीतर समाते मैं आत्मा सुहानी प्रेम से भरपूर हो चुकी हूं। और ये रूहानी स्नेह समस्त विश्व की आत्माओं को पहुंचते विश्व ग्लोब पर समाते हुए अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा बिंदी परम धाम में शिवा बिंदी के बिल्कुल सम्मुख आ जाती हूँ। डीप साइलेंस में उस
सुहानी प्यार के सागर में, शुभाप में गहराई से समाते, शुभ चिंतन करने वाली शुभ कर्म करने वाली मैं, शुभ चिंतक आत्मा, जाने अनजाने में हुए अपने पूर्व विकर्मों को योग अग्नि से दग्ध होता अनुभव कर रही हूं।
इस विश्व रंगमंच पर जिस किसी भी आत्मा के साथ पाठ बजाया है, जाने अनजाने दुख दिया है, मैं आत्मा आज बेहद में उन सभी आत्माओं से क्षमा मांग लेती इस मुझ आत्मा पर चढ़ी कट योग अग्नि की तपन से निकलती जा रही है। और मैं आत्मा शिव बाबा के प्यार में गहराई से समाते हुए स्वयं को विकर्मों के बोझों से मुक्त बिल्कुल हल्का लाइट अनुभव कर रही हूँ। बातों को लेट गो करते अन्य आत्माओं की गलतियों को भी मैं मास्टर प्रेम सागर आत्मा सभी को बेहद में माफ कर देती हूँ। माफ करो और माफी मांगो, माफ करो और माफी मांगो,
माफ करने और माफी मांगने के अभ्यास से मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ। एकदम लाइट बिंदी बाप में गहराई से समाती मैं बिंदु स्वरूप आत्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु बनती जा रही हूं। समस्त विश्व की आत्माओं के लिए बेहद में शुभ प्रकंपन फैलाती हूं कि ये सभी भी परमात्मा बाप को पहचान कर उनके द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। योगी बन पवित्रता को अपनाए निरोगी बनते जा रहे हैं। सभी स्वस्थ है, खुशहाल है,
शक्तियों के स्रोत शुभाप से। कि अविरत आती निस्वार्थ स्नेह की धारा मुझ आत्मा को सभी के लिए बेहद में समान स्नेह की अनुभूति करा रही है। रूहानी स्नेह से भरपूर होते मैं आत्मा अपने तेज प्रकाश और ऑरा को कई गुना अधिक बढ़ता हुआ अनुभव कर रही हूँ। हल्का और तेजों में अर्थात डबल लाइट स्थिति मेरे द्वारा बेहद सेवा करा रही है। विश्व के कोने कोने तक मैं आत्मा ये रूहानी स्नेह के वाइब्रेशंस फैलते हुए विजुलाइज कर रही हूं। बाप दादा को अब अपने सम्मुख अनुभव करते उनकी शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर होती जा रही हूं।
उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाऊं इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप दृष्टि
अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।